तो आज हम डिलीट करने वाले हैं ये फोल्डर जो कि है विंडो डॉट ओल्ड नाम से। ये एक्चुअली है ना, जब हम रीसेट करते हैं या फिर अपने विंडो को अपडेट करते हैं तब काफी बार बन जाता है। अपनी अपनी प्रॉब्लम्स होती है या फिर अपने अपने रीजंस होते हैं जिसकी वजह से बन जाता है। लेकिन इस वाली वीडियो में हम देखने वाले हैं किस तरह से इसको डिलीट कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं तासीनो यूट्यूब चैनल। तो इसको डिलीट तो कर सकते हैं बेसिकली, लेकिन यार काफी सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है। जैसे कि ये वाला विंडो है और एक विंडो डॉट ओल्ड नाम से फोल्डर बन जाता है। इसकी अगर साइज की बात करें तो ये लगभग भी 3 GB का होता है, किसी के में 6 GB का होता है, अपने अकॉर्डिंग होता है। फिलहाल मेरी जो साइज है इसकी वो है 3.18 GB के आसपास की। तो यार ये काफी ज्यादा साइज होती है अगर आप एक SSD यूज करते हैं या फिर आपके पास स्टोरेज काफी ज्यादा कम होता है। तो इसी के बारे में आज हम देखने वाले हैं किस तरह से इस फोल्डर को डिलीट कर सकते हैं। तो इसको डिलीट करना बहुत ही ज्यादा इजी तरीका है। क्या तो आप ना डायरेक्टली डिलीट प्रेस करके डिलीट करें। अगर यहाँ से डिलीट नहीं हो रहा तो इसका दूसरा ऑप्शन होता है डिस्क क्लीनर से हम इसको डिलीट करें। ये ऑलरेडी हर विंडो के लैपटॉप के अंदर ऑलरेडी आता है। अगर आप विंडो 8 यूज कर रहे हैं, 7 कर रहे हैं या फिर 10 कर रहे हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके अंदर भी प्री इंस्टॉल्ड होगा। आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे आना है और यहाँ पे सर्च करना है डिस्क क्लीनअप। एंड जैसे आप यहाँ पे डिस्क क्लीनअप सर्चेंगे, पहला ही आपको ऑप्शन मिल जाएगा और इसको आपको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर ओपन करना है। ओपन करने के बाद ये आपसे डिस्क पूछेगा कि कौन सी है। तो नॉर्मल सी बात है, सी के अंदर ही मेरा इंस्टॉल्डर वो जो फोल्डर है विंडो डॉट ओल्ड नाम से, वो भी मेरा सी के अंदर है। तो मैं इसी को सेलेक्ट करूंगा और ओके कर देता हूँ। अब ये कुछ कैलकुलेशन करेगा कि कौन सी चीज़ें हमें इसमें से डिलीट करनी है, कौन सी चीज़ें रखनी है, इसलिए थोड़ा टाइम दीजिएगा इसको। ये थोड़ा सा टाइम लेगा सारी चीज़ों को कैलकुलेट करने में। ओके, तो जैसे ये कैलकुलेट कर लेगा अपनी, तो यहाँ पे आपको है ना कुछ ऑप्शन दिखने शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा होगा विंडो अपडेट क्लीनअप। तो यही है जो 3.45 GB का है, इसी को हमें डिलीट करना है। तो इसको हमें सेलेक्ट करना है और बाकी अगर आप चाहें तो अपना डिस्क क्लीन कर सकते हैं। और जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट एंटीवायरस की कुछ फाइलें 8 MB की, ये अपग्रेड फाइल लूँगा जो कि 32 MB का है, और कुछ भी जो भी आपको लगे, जैसे रिसाइकल बिन है, प्रीवियस इंस्टॉलेशन है, ये भी एक है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा प्रीवियस विंडो इंस्टॉलेशन, ये हमारा विंडो डॉट ओल्ड जो फोल्डर बना हुआ है ये वाला है। ऑलराइट, तो हम इसको चेक करेंगे और इसको टेक करने के बाद हमें ओके करना है। टोटल जो फाइलें डिलीट होंगी वो 6.94 GB की होगी, क्योंकि मेरा जो टेम्परेरी फाइल्स थी, जो भी मेरा डेस्क क्लीन होना चाहिए था जैसे पड़ी हुई थी, वो भी डिलीट कर दे गए। तो यहाँ पे 6.9 GB का होगा, ये वाला है जो प्रीव्यू विंडो इंस्टॉलेशन। तो यहाँ पे पूछ रहा है, जैसे मैं इस पर एक बार वापस दबा देता हूँ, जैसे आप इन सबको सेलेक्ट कर लेंगे तब आपको क्लिक करना है ओके पे। ओके पे क्लिक करने के बाद ये पूछेगा आपको, क्या यू श्योर यू वांट टू बी डिलीट परमानेंटली डिलीट दिस फाइल्स। तो ये परमानेंटली डिलीट हो जाएगी। यहाँ पे अगर आप डिलीट फाइल करेंगे तो ये डिलीट होना शुरू हो जाएगी। ये सॉफ्टवेयर डिलीट करने में थोड़ा सा टाइम लेगा, तो मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। तो नाउ मैंने बंद कर दिया था अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग को, क्योंकि वो ले रहा था काफी ज्यादा टाइम मेरे, इसमें लगभग भी उसने 5 मिनट लिए। और मैं अब दिखा देता हूँ जो फोल्डर था, यहाँ पे आया सी के अंदर और यहाँ पे देख लीजिए विंडो ले गया और विंडो डॉट ओल्ड जो था वो डिलीट हो गया। कम से कम भी 3 GB का था और मेरी स्पेस बार भी काफी ज्यादा कम हो गई है, क्योंकि मैंने 6-7 GB आराम से खाली कर दी थी। तो डिस्क क्लीनर से आप अपने स्टोरेज को भी खाली कर सकते हैं और ज्यादा इंप्रूव करने के लिए, ताकि आपका स्टोरेज बचा रहे। अगर आप SSD यूज करते तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। वीडियो कैसा लगा है बता देना, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं 100% सर दे दूंगा। अगर हो सकता है काफी ज्यादा कमेंट हो तो मैं ना रिप्लाई कर पाऊँ। अगर आपको एंड टू एंड रिप्लाई चाहिए तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे आ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, आईडी आपके सामने। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आपको अच्छा लगे तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।